आपसे ये है कि सिरा छूटा हुआ है, सदियों से छूटा हुआ है और उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज भी जब उस सुरे को पकड़ने की बात आती है, सुलझाने की बात आती है, तो उन महिलाओं को कह दिया जाता है कि ये बीजेपी की है, आरएसएस की है, खरीदी हुई है, इनके साथ कुछ नहीं हुआ। मजलूम की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, उनपे इल्जाम तराशियां और उनके ऊपर वो गालियां और क्या क्या नहीं उनको जी झेलना जी जी पड़ता, जी 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 ये बड़ी अफसोस की बात है। तो हाँ, ऐसे मैं में भी जो सुनता हूँ। शाह पानों और से लेके आज ये तक हिमाकत जब है कुछ नहीं सुलझा पाए, जी इतने सारे इस्लामिक संगठन, इतने सारे इदारे, इतने सारे इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद, जी तो जी अब कैसे उम्मीद की जा जी सकती जी है कि जी अब सुधार आएगा। तो क्यों ना जी जी भारत का संविधान जो सबको समान अधिकार देता है, हर मुसलमान मर्द को दिया हुआ, औरतों को नहीं दिया हुआ, वो अफसोस की बात है। क्यों ना जी हम जी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, ऐतराज कितना अंबर, लगता है? एक बात मैं आपको बताऊं कि ये हिमाकत के सिवा कुछ नहीं है कि ये आरएसएस और बीजेपी। आप ये बताइए मुझे कि हिंद का इतिहास 6,000 साल पुराना है ना? इनका इनकी हिस्ट्री है, इनका इतिहास है, 10,000 से इन्होंने भी ज्यादा पुराना। अपने उसको सजो करके रखा हुआ है। अगर वो उस पर काम कर रहे हैं तो काम करने में आपको क्या बुरा लगता है? वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी मंदिर सजा रहे हैं, अपने भजन गा रहे हैं, अपने त्योहार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि हम सब लोगों को उनके त्योहार में शामिल होना चाहिए। उनकी बिल्कुल हिस्ट्री इतनी कदीम है मेरी बहन, कि आप देखिए तारीख फरिश्ता इब्ने खलदून, तारीख याकूबी, तारीख इब्ने कसीर, मैं दो दर्जन हिस्ट्री को पढ़ चुका हूं। हर हिस्ट्री में जब इतिहास शुरू होता है तो हिंद की सरजमी से शुरू होता है, बिल्कुल, हिंदुस्तान की क्योंकि सभ्यता की हिंदुस्तान बात की जो की जाती है। सभ्यता है 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जी बाकी जी बात जी तो जी लोग जी कह जी दे जी 10,000 से जी भी जी ज्यादा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक एपिसोड आप करूंगा मैं चूंकि मैं तो हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं। जी अब बताइए उसको, अगर वो संजो रहे हैं, उसको बेचारे हिफाजत कर रहे हैं, उसका तहफुज कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है आपको, और ये है ना? जिम्मेदारी भी तो अच्छा, हमारी भी है आपका ना, कि आपका भारतीय किरदार होने के नाते। सुनो सुनो सुनो, आपका किरदार क्या है? अलकायदा है, तालिबान है, आईएसआईएस है? ये इस्लाम जो है, अगर इस इस्लाम के खिलाफ वो बोल रहे हैं या इस्लाम उसको रोक रहे हैं कि भाई हमारी हिंद की धरती नापाक न हो, है ना, ऐसे लोगों से खून न बहे, लोगों को तहफुज दिया जाए, तो इसमें क्या बुराई है? मैं तो खुश होता हूं। आप यकीन जानिए कि मैं 70 की दहाई का इंसान हूं और मैं जब से अभी 2014 से पहले तक सोचता था कि ये हिंदुस्तान आजाद तो हुआ है नाम का, मगर एक फैक्ट्री है और एक उसका मालिक है, ये गांधी परिवार पूरा, इंदिरा गांधी हमारे बचपन में, उसके बाद राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, ये गांधी, फलां गांधी, फलां गांधी। आज जो आपकी सरकार है, उस सरकार में मैं, यकीन जानिए आप, मैं इस सरकार की तीन सबसे बड़ी तारीफ करता हूं। तीन सबसे बड़ी, सबसे पहले भ्रष्टाचार पे कदगन लगा, यानी कोई मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं है। मनमोहन सिंह के जमाने में हर हफ्ते कोई ना कोई मंत्री भ्रष्टाचारी में गिरफ्तार होता था, एक मंत्री कोई बता दे। अच्छा, वो लोग के जो यहां से भागे हैं, अरे भाई घर में डकैती कोई करके निकल जाए, है ना, तो उसका क्या करेंगे आप? तो एक तो भ्रष्टाचार पे कदगन लगा, रोक लगी, मोदी जी ने वाकई रोक लगाई। दूसरे, परिवारवाद को, वंशवाद को, नस्ल परस्ती जो नासूर है आदमियत के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, उसको खत्म किया इन्होंने। कि योग्य लोग आएंगे यहां जिनमें सलाहियत हो, जो काम करें। आप मुझे बताइए कि एक दलित को प्रेसिडेंट बनाना और एक आदिवासी औरत को, मैं उस दिन इंतहाई खुश हुआ, इंतहाई मुझे मसर्रत मिली, मैं उनको मुबारकबाद दी। मैंने अपनी जानिब से ऑल इंडिया शिया समाज और सर्वधर्म एकता की तरफ से कि एक आदिवासी को उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट दी। तो ये जो बदलाव है, ये चेंज है, क्या ये सबको नजर नहीं आता है? सबको इसको देखना चाहिए। क्या गुलामी, यानी बस गांधी जी की, गांधी परिवार की गुलामी करोगे? ये शख्स जो नीचे नीचे से ढूंढ ढूंढ करके ला रहा है, नीचे रहने वालों का स्तर बदल रहा है ना, बिल्कुल उलट दे रहा है इस हिंदुस्तान को, है, चमक पैदा कर रहा है, हर एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास,
भरोसा यकीन पैदा कर रहा है। आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, कोई बात आएगी फौरन कहेंगे बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही, आरएसएस कर रही है, बीजेपी कर रही। अरे भाई कहां से आरएसएस तो बीजेपी कर रही है, आप अपनी गलती का ठेकरा दूसरे का सर क्यों फोड़ रहे हैं? अपनी गलती आप सुधार नहीं रहे। बहन मुल्क चलता है पांच चीजों से, अमीर की दौलत, हाकिम का अदल, फकीर की दुआ, आलिम का इल्म, तजर्बा बुजुर्गों का, और ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है बिल्कुल कायदे से अच्छी तरह से। आप हर चीज को, हर बात को, तलाक तलाक के मसले को आप इस पे डाल लें। अरे भाई आरिफ मोहम्मद खान ने जब डाला था तो कांग्रेस थी ना, बीजेपी कहां से आ गई, आरएसएस कहां से आ गई? तो इसलिए मैं कतई तौर पर ये बात आपके माध्यम से और लोगों से भी कहता रहता हूं कि देवबंद के उलमा और नदवे के लोग अपने अपने दारुल उलूम के आंगन में बैठकर मंथन करें, और अगर उस सही सिरे पे पहुंच जाएंगे तो यकीन जानिए कि अदालतों के बाहर हमारी कोई बहन नाउम्मीद आंखों और मायूस चेहरे के साथ नहीं रहेगी। अच्छा मौलाना, रात में भी कमी आएगी जी। हम देखते हैं कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, क्योंकि हम देखते हैं भारत में जो कानून है पर्सनल, अगर हम जिनकी बात करते हैं, जैसे क्रिमिनल कोड प्रोसीजर है उसमें सबको एक जैसा है, लेकिन जैसे जो शादी ब्याह तलाक और जो पर्सनल लॉ की हम बात करते हैं, जमीन जायदाद का बंटवारा, इसमें जो है वो फॉलो किया जाता है पर्सनल लॉ, जो कि औरतों और बच्चों से जिनका लेना देना होता है उसमें औरतें उसमें बहुत सफर करती हैं, जो कि हम देखते भी हैं तलाकों के मसले के वो बहुत सारी चीजें आती रहती है। जब उस हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं तो जो बड़े बड़े इदारे हैं, मदनी साहब है, वो कहते हैं कि अगर आया तो हम सड़कों पे उतर आएंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। आखिर औरतों से दुश्मनी क्या है अपने ही समाज के लोगों को, कि अपनी औरतों को बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते, संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत उनको सुरक्षा नहीं देना चाहते? वो लोग असल में सिविल कोड से नावाकिफ हैं, वो जानते ही नहीं है कि ये क्या है। वो सोच रहे हैं कि कोई मतलब दूसरा कानून कोई लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम तो बस इतना जानते हैं कि हिंद की सरजमी और हिंद के लोग और हिंदुस्तानी लोग और हिंद से बेहतर मुसलमानों के लिए कोई सरजमी नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां इनका तहफ्फुज हो सके। इसलिए बहुत खामोशी से तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को खामोशी से इस सरजमी पर रहना चाहिए, इस धरती पर, इस मादर वतन, इसकी खुशबू में अपनी जिंदगी को गुजारें, और कतई तौर पर वो जो दिमागों में शैतानी बातें आती हैं उसको न लाएं, उसको बिल्कुल दिमागों में न लाएं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। एक और मैं आपसे आखिरी मेरा सवाल है कि अभी हमने देखा पिछले कुछ महीनों में जो देश में माहौल खराब हुआ, सरते से जुदा किनारे लगे और बहुत कुछ हुआ, कितने ही सारे बेगुनाहों मासूमों की जान गई। सवाल ये उठता है कि सबके बावजूद भी जो मुस्लिम पक्ष है वो कहते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे धर्म पे टारगेट हो रहा है, हमें टारगेट किया जाता है, इस्लामोफोबिया और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों एक देश में रहकर हम शांति बनाने का आह्वान नहीं कर सकते? क्यों हर जगह इस तरह का ये सारी चीजें, खतरनाक चीजें करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों शांति नहीं बना पाते? हाँ देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि मेरा एक इदारा है यूनिवर्सल रिलीजियस यूनिटी, सर्वधर्म एकता, आलमी इत्तेहाद बैनल मजाहिद। जगह जगह मैंने ये बात पीएम हाउस में भी कही है और वहां भी मजा मैंने कि जगह जगह तमाम धर्मों के लोग इकट्ठा होकर, है ना, एक दूसरे के फंक्शंस में शामिल हों, यानी एक ऐसी जगह बने कि जहां कुरान भी रखा हो, बाइबल भी रखी हो, गीता भी रखी हो, गुरु ग्रंथ भी रखा हो, है ना, और वहां बैठ करके सब लोग डिस्कस करें आल फेथ पर। अगर इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये करेंगे तो आप यकीन जानिए कि ये नफरतें खत्म हो जाएंगी,
अच्छा चूंकि मौलाना मजहब और साहब, धर्म, एक बहन, बात मजहब सोचने और की धर्म बात जो है है, कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा एक आइडिया है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल निकल कर आया था कि आखिर जो इतनी कट्टरता है, इतना अलगाववाद है, वो कहाँ से मुस्लिम समाज के बच्चों में, यूथ में आता है? तो खुलकर ये आता है कि बच्चों को जब आप अलग रहने की चीजें सिखाएंगे कि आप सबसे बेहतर हैं, हिंदू काफिर है, वो नीचे हैं, अल्लाह सबसे ज्यादा बेहतर है, दूसरों के धर्म की इज्जत और उनके साथ घुलना मिलना, त्योहार पे होली लगा, होली का रंग लगाएंगे तो आप दोजख में जाएंगे, बिंदी तिलक लगाएंगे तो माथा जलाया जाएगा, तो इस तरह की बातें जब बच्चों को सिखाई जाएंगी, आगे कुछ और पीछे कुछ सिखाएंगे, तो ऐसे में बदलाव कब मुमकिन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए मामला यह है, आप मुझे बताइए कि एक शख्स जो IS IS का है और वो बच्चों को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, और वो माथे पे उसके तिलक है, और एक पंडित है, माथे पे उसके सजदे का निशान है, IS का आदमी है या अलकायदा का आदमी है या तालिबान का आदमी है, वो बच्चों को मार रहा है, काट रहा है, और उसके पेशानी पे सजदे का निशान है, और एक हमारा हिंदू भाई पंडित है, उसके माथे पे तिलक है और वो चींटियों को भी बचाता हुआ चल रहा है, तो मुझे तो उस सजदों के निशान से ये तिलक अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, जिसने कितना मुसलमान मतलब की अहम बात है। है। तो मैं कतई तौर पर तिलक का भी मेरे मेरी निगाह में एहतराम है, भजन का भी मेरी निगाह में एहतराम है। ये लोग, आप मुझे बताइए, मजहब जो है, मजहब, धर्म, दीन, रिलीजन किसी एक की तलाश में है, और वो तलाश जो है वो जाके एक नूर पे टिकती है, एक रोशनी पर, जिसे आप ईश्वर कह लें, परमेश्वर कह लें, भगवान कह लें, खुदा कह लें, गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, है ना, सबकी तलाश। यानी मंदिर में क्या ढूंढा जा रहा है, चर्च में किसकी तलाश है, गुरुद्वारे में गुरबानी हो रही है, किसको ढूंढा जा रहा है, मस्जिद में मौलवी क्यों जा रहा है, तलाश एक शख्स की है। नाम बदलने से वो चीज नहीं बदल रही है, क्योंकि पानी है, जल है, आब है, माँ है, वाटर है, मगर चीज एक ही है, तो तलाश सबकी एक है, और यही 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 फेथ, यही अकीदा, यही बात आम करने की जरूरत है, लोगों के बीच जाने की जरूरत है, आल फेथ की मीटिंग्स हों, यूनिवर्सल रिलीजियस यूनिटी कायम हो, सर्वधर्म संभाग का सम्मेलन हो, और उसमें बैठ करके ये सारी बातें हो, तो आप यकीन जानिए कि नफरतें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ना इधर से नफरत होगी ना उधर से नफरत होगी, जी और ये बिल्कुल, और मुल्क हमारा शायद इंशाल्लाह जन्नत नशीन होगा और बेनजीर रहेगा। बिल्कुल वो है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन शर्त ये है कि हम ईमानदारी से बदलाव के लिए कोशिश करें, जो हम एक पॉजिटिव चेंज की हम बात करें, क्योंकि जी, भारत बहुत पुराना है, हजारों सालों, 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना का हमारा इतिहास है, और विविधताओं की बात की जाती है, लेकिन विविधताओं की बात इसलिए की जाती है, भारत तो हर किसी को अपना बना लेता है, समा लेता है, हर संस्कृति, हर धर्म का सम्मान करता है, लेकिन वो लोग बिल्कुल जिनको बिल्कुल इस देश में समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा मिली है, उनकी भी जी, जिम्मेदारी बनती है कि देश में शांति का माहौल बनाएं और इस तरह की बातें ना करें जिससे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर